हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो तक अपन ने अपना लेसन नंबर 7 जिसका नाम था सहसंबंध कंप्लीट कर लिया था। आज अपन अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सूचकांक। तो बच्चों, सूचकांक जिसको कि कहते हैं अपन इंडेक्स। इंडेक्स का क्या मतलब होता है? जैसे कि तो कभी आप मार्केट जाते हो और जब आप सामान के भाव पूछते हो तो आपका लगता है कि कुछ वस्तुएँ पहले की अपेक्षा महंगी हो गई है, अर्थात उनकी कीमत बढ़ गई है, और किसी की कीमत अपन को कम लगती है। तो जो कीमतों में वृद्धि या कमी हुई है उसका जो डिफरेंस है, जो कीमतों में परिवर्तन हुआ है, उसका जो विश्लेषण करना है, उसके अंदर ये सूचकांक उपयोगी होते हैं। अर्थात सूचकांक क्या है? ये संबंधित चरों का समूह है। सूचकांक संबंधित चरों का समूह है जो दो समयावधि के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उस परिवर्तनों का माप है। अर्थात सूचकांक एक सांख्यिकीय के माप है, एक निश्चित अवधि का किसी अन्य अवधि के मध्य में परिवर्तन को अनुपात या प्रतिशत के रूप में दर्शाता है, या फिर उसका तुलना करता है और एक सांख्यिकी या संख्यात्मक रूप से अपन को बताता है। अर्थात संबंधित चरों के समूह के परिमाणों के परिवर्तन को मापने का जो संख्या सांख्यिकी माप होता है उसे ही अपन सूचकांक कहते हैं। प्रारंभ में यह केवल मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता था। अर्थात बहुत समय पहले तक अपन सूचकांक का उपयोग केवल मूल्य परिवर्तन को दर्शाने के लिए करते थे, लेकिन अब सभी क्षेत्रों जैसे कि तो उत्पादन, मात्रा, बिक्री आदि में भी ये उपयोगी है, और मुख्यतः जो कीमत सूचकांक है उसका प्रयोग अधिकांश होता है। तो सूचकांक को यदि मैं एक लाइन में कहूँ तो सूचकांक जो होता है वो संबंधित चरों के जो परिमाण के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, संबंधित चरों का समूह है उसके परिमाणों में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को मापने का जो सांख्यिकी माप है उसको ही सूचकांक कहते हैं, और सूचकांक को P01 से दर्शाते हैं। P0 अर्थात आधार वर्ष के अंदर वस्तु की कीमत, P1 अर्थात जिस अवधि से अपन इसकी तुलना करना चाह रहे हैं, या फिर करेंट ईयर या वर्तमान वर्ष के अंदर वस्तु की कीमत। तो अपन को दो अवधियों के मध्य के अंदर किसी वस्तु की कीमत या अन्य किसी मूल्य के अंदर अपन को तुलना करनी है, उसमें क्या परिवर्तन आया है उसका विश्लेषण करना है, उसके लिए अपन सूचकांक का यूज़ करते हैं। तो सूचकांक वास्तव में एक सांख्यिकीय माप है और इस ये संबंधित चरों के समूह के परिमाणों में परिवर्तन का जो सांख्यिकीय माप है वही सूचकांक कहलाता है। इसको P01 से दर्शाते हैं। अब सूचकांक का जो मुख्य रूप से पहले तो कीमत सूचकांक की ज़्यादा यूज़ में आता है, और एक समय था जब केवल मूल्य सूचकांकों का उपयोग किया जाता था। अब सभी क्षेत्र के अंदर हमें सभी क्षेत्र का अध्ययन करना है, वहाँ पर सूचकांक हमारे उपयोगी होते हैं। अब अपन देखेंगे सूचकांकों की विशेषता या लाभ। सूचकांक परिवर्तनों के सापेक्ष मापे, मुद्रा की क्रय शक्ति पता चलती हमें सूचकांक के द्वारा, परिवर्तनों को संख्यात्मक रूप से मापे अर्थात जो चेंज आ रहा है उन चेंज को अंकों में दर्शाने का काम सूचकांक करते हैं। इससे हमें औसत का ज्ञान होता है, प्रतिशत का ज्ञान हो जाता है, आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण होता है। क्यों? क्योंकि हम दो अवधियों के मध्य में तुलना करते हैं कि इन दो अवधियों के अंदर कीमत में क्या परिवर्तन आ रहा है, उत्पादन में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सब कुछ अपन इंडेक्स से पता करते हैं। तो जब अपन को परिवर्तन के बारे में ज्ञान होता है तो हम आर्थिक क्रियाओं का भी निर्धारण करते हैं, और जब अपन आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण कर लेते हैं तो नई नीति निर्माण में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार हमें यदि सूचकांकों का ज्ञान हो जाता है तो सूचकांकों के ज्ञान से आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण हो जाता है, उससे नीति निर्धारण का भी ज्ञान नीतियों को बनाने में भी सहायक होते हैं। हमें कीमत स्तर का ज्ञान होता है, जीवन स्तर में परिवर्तन का ज्ञान होता है, वेतन तथा भत्ते में संबंध ज्ञान होता है, और यह सूचकांक व्यापारिक वर्ग के लिए भी उपयोगी है। व्यापारिक वर्ग को किस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना है, कम करना है, इस सब के निर्धारण में ये सूचकांक उपयोगी होते हैं। उत्पादन के बारे में जानकारी मिलती है, सरकार को भी लाभ होता है, और पूरे समूह के सापेक्ष परिवर्तन का माप सूचकांक बताते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय के अंदर सूचकांक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी है। लेकिन इतना उपयोग होने के बाद भी सूचकांकों के अंदर कुछ कमियाँ हैं, दोष है या सीमाएँ। ये दोष क्या है? पूर्ण सत्य नहीं है। ये जो सूचकांक के द्वारा अपन को जो आंकड़े पता चल रहे हैं वो पूर्ण रूप से उसको सत्य नहीं मान सकते।
अंतर्राष्ट्रीय तुलना संभव नहीं है। एक देश के दूसरे देश के से हमको जब तुलना करनी होती है वहाँ पर हमारे इंडेक्स काम नहीं आते हैं, समय का अंतर होता है, क्योंकि आज से 5 वर्ष पहले सूचकांक क्या थे, आज सूचकांक समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके अंदर भार देने का दोष है और इसका उपयोग सीमित है। फिर भी इतने सारे दोष होने के बाद भी इसकी जो उपयोग या विशेषता है, लाभ इसकी बहुत अधिक है। तो अपन ने देख लिया सूचकांक क्या है, सूचकांक की विशेषताएं देख ली। अब अपन देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण सूचकांक कौन कौन से हैं। हम बात सूचकांक की करते हैं तो हम ये भी देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से सूचकांक हमारे काम में आ रहे हैं। तो पहला उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, मानव विकास सूचकांक और संवेदी सूचकांक। इन 5 सूचकांक के बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो उपभोक्ताओं के लिए, जो दैनिक जीवन के अंदर उपभोक्ता जिन चीज़ों का यूज़ कर रहा है उनके कीमतों में परिवर्तन या मूल्य में परिवर्तन को दर्शाता है। इसको निर्वाह सूचकांक भी कहते हैं। खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, खुदरा रिटेल प्राइस। जो उपभोक्ता होता है वो अपने दैनिक जीवन के अंदर जो चीज़ खरीदता है वो खुदरा ही खरीदता है, उसको थोक में आवश्यकता नहीं है। तो जो खुदरा भाव से या जो खुदरा सामान खरीदता है, जो रिटेल के अंदर सामान खरीदता है उसकी कीमतों में परिवर्तन को मापता है। दैनिक जीवन की वस्तु के मूल्य परिवर्तन का अध्ययन होता है। ये हो गया उपभोक्ता कीमत सूचकांक। दूसरा है थोक कीमत सूचकांक। थोक बाजार में विक्रय की जाने वाले वस्तुओं के कीमत परिवर्तन को जो दर्शाता है उसको अपन कहते हैं थोक कीमत सूचकांक। सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत देता है। इसमें संदर्भ उपभोक्ता श्रेणी नहीं होती है। जहाँ उपभोक्ता कीमत सूचकांक के अंदर संदर्भ उपभोक्ता श्रेणी का उपयोग होता है, वहाँ पर थोक कीमत सूचकांक के अंदर अपन को संदर्भ उपभोक्ता श्रेणी नहीं होती है। इसमें ऐसी मदें शामिल नहीं होती है जिसका संबंध सेवा से होता है। तो दो तरह के हो गए ये सूचकांक। तीसरा है औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। अनेक उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन के जो स्तर में परिवर्तन को जो दर्शाता है उसको औद्योगिक उत्पाद सूचकांक कहते हैं। बहुत सारे उद्योग हैं, उसके अंदर बहुत सारी औद्योगिक क्रियाएं हो रही हैं, उन सभी औद्योगिक क्रियाओं के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को जो दर्शाता है उसे अपन औद्योगिक उत्पाद सूचकांक कहते हैं। इसमें सार्वजनिक व निजी दोनों प्रकार के उद्योग शामिल होते हैं। मानव विकास सूचकांक देश के विकास को मापने में सहायक होता है। किसी देश के अंदर विकास हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, विकास का क्या स्तर है यदि ज्ञात करना है तो उसमें मानव विकास सूचकांक उपयोगी होते हैं। संवेदी सूचकांक, इसका संबंध शेयर बाजार अथवा अंशों के सूचकांकों से है। जैसे जैसे शेयरों की कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे जो संवेदी सूचकांक में वृद्धि के द्वारा प्रतिबिंबित हो जाती है। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है सेंसेक्स मुंबई स्टॉक एक्सचेंज संवेदी सूचकांक का संक्षिप्त रूप थे, जिसमें जो आधार वर्ष है वो 1978-79 दर्शाया गया है। तो सूचकांक जो होते हैं वो क्या है, संबंधित चरों के समूहों के अंदर परिमाणों में परिवर्तन का माप है। सूचकांक इंडेक्स P01 से दर्शाते हैं। 2 अवधियों के मध्य में जो चेंज आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है उसका विश्लेषण करना है तो वहाँ पर एक सांख्यिकी माप उपयोगी होता है। उस सांख्यिकी माप को ही अपन सूचकांक कहते हैं। फिर मैंने सूचकांक की विशेषताएं बता दी, सूचकांक की सीमाएं बता दी है और सूचकांक के महत्वपूर्ण सूचकांक बता दिए। उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, मानव विकास सूचकांक और संवेदी सूचकांक। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ने देख लिया सूचकांक के बारे में बेसिक जानकारी, सूचकांक क्या है, उसकी विशेषताएं और महत्वपूर्ण सूचकांक। अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि इन सूचकांकों की रचना कैसे होती है, उसकी कौन कौन सी विधियाँ है, समूहन विधि क्या है, मूल्य अनुपात विधि क्या है। आगे भी अपन को बहुत सारी सूचकांक के बारे में भी और कुछ पढ़ना है, बट आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।